अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर फ्रॉम ग्लोबल स्कूल सिस्टम एंड आई होप यू ऑल विल बी फाइन एट योर होम्स। डियर स्टूडेंट्स, इट्स अवर साइंस लेक्चर, सो ऑल ऑफ यू ओपन योर साइंस स्प्रिंग पैक, पेज नंबर 45। इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी डिड द क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 and 4 ऑफ दिस यूनिट एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 and 2। नाउ इन टुडेज़ लेक्चर वी विल डू द मैचिंग एंड ट्रू फॉल्स ऑफ दिस यूनिट। First of all, match the column, a change in which new substances are formed. So the answer is chemical change. Chemical change ऐसा change होता है इसमें new substance एक जो है हमारे पास आते हैं. Then change of substance that no new substance formed is physical change. Physical change में कोई new substance नहीं बनता बल्कि matter की एक state दूसरे state में convert होती है. Anything in the world that has everything in the world that has mass and occupies space is called matter. Then true and false. Number one is particles move. It is true. Number two, particles in gas are packed tightly together. It is false. Number three, a liter of water is more than it is in a 5-liter container. It is false. एक लीटर वाटर को आप 5 लीटर के कंटेनर में डाल लें, 10 लीटर कंटेनर में डाल लें, जिस मर्ज़ी आप कंटेनर में उसको जो है डाल लें, लेकिन वो 1 लीटर ही रहेगा। नंबर 4, पार्टिकल्स इन ऑरेंज जूस आर पैक्ड लेस क्लोजली देन दोज इन ऑरेंज आई स्लोली। इट इज़ ट्रू। एंड द लास्ट वन विच इज़ ऑन पेज नंबर 46 इज़ आइस मेल्ट्स इनटू अ गैस। इट इज़ फॉल्स। आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट होती है मेल्ट होकर, लिक्विड में। आइस जो है लिक्विड में कन्वर्ट होती है, गैस में नहीं होती। डियर स्टूडेंट्स, आई विल फर्दर डिस्कस इट इन द जूम सेशन। सो ऑल ऑफ यू मस्ट जॉइन माई जूम सेशन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।